Sorry, kittens, only on Bonkfeet. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंजर, मैं पाक व्हील्स व्हील्स ऑफ पाकिस्तान के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम कराची में मौजूद हैं, मैं अब्दुल वाहिद साहब के साथ हूँ। वाहिद भाई, बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालने का। थैंक यू वाहिद भाई, जो है किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। मेरा ख्याल है जब से हम अगर गाड़ियों की इंस्पिरेशन की बात करें, उनकी कलेक्शन की बात करें, सो बाय फार मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे अच्छी कलेक्शन मुझे तो वाहिद भाई की लगती है, और अभी हम आपको दिखाते भी हैं। तो वाहिद भाई, ये जो आपको गाड़ियों का शौक है, ये कलेक्शन का आइडिया कैसे आया? स्टार्टेड लाइक 1986 से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। ठीक है। और जब तो स्कूलिंग वगैरह ही थी, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड जाते थे, वहाँ पर एग्जीबिशन शोज वगैरह देखते थे। ठीक है। तो यहाँ पर जब देखी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो कुछ इंस्पिरेशंस वहाँ से मिली, कुछ जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ही रीजनेबली प्राइस थी। सही। तो वन बाय वन करके हमने स्टार्ट करी। सो बाय द वे, मैं देखता आपकी कलेक्शन में माशाल्लाह 5 रोल्स रॉयसेस हैं। जी जी। सो इनकी हमें हमारे यूजर्स के लिए डिटेल बताएंगे, बिकॉज हम जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। ये 1968 की आपने बताया? नहीं, 63 की है। 63 की जी, क्लाउड 3 कहलाती है। क्लाउड 3 में V8 इंजन और ये फ्रंट में दो हेडलैम्प है। ठीक है जी। ये क्लाउड 3 कहलाती है, जो क्लाउड 2 होती है वो सिंगल हेडलैम्प की होती है। ठीक है जी। जी, उसके बाद ये 58 की MPW मिलेनियर पार्कवर्ट कहलाती है। ये बाद में समझे कॉर्निश के नाम से होगी, कन्वर्टिबल की वजह से कॉर्निश कहते थे। जी, कॉर्निश से पहले मिलेनियर पार्कवर्ट कहलाती थी। MPW है ये। जी, MPW 68 की। सही है। और अगर उस ऑपोजिट साइड पे आ जाएं, ये दो जो है आप बताते हैं बहुत लो माइलेज है। लो माइलेज, हाँ जी, ये 9000 ऑलमोस्ट 9-10,000 माइल्स चली हुई है। अच्छा, ये मॉडल थोड़ा नया लग रहा है। स्पर है। जी जी, नहीं 92 की स्पर है, ब्रांड न्यू पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई थी। जीरो मीटर। जी, जीरो मीटर इंपोर्ट हुई थी। ये भी लेमोजीन भी, ये भी जीरो मीटर इंपोर्ट हुई थी। एंड दिस इज अगेन 92। जी, दोनों एक साथ आई थी, बायर आई थी ये। ठीक है, ये दोनों गाड़ियां पाकिस्तान में जीरो मीटर बायर रही। जी, जीरो मीटर। और अभी तक लो माइलेज 8-9,000 चली। जी, 9,000 चली हैं माइल, और इस्तेमाल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मेरी आपसे बात हो रही थी, मैं यूजर्स के लिए भी बताना चाहूंगा कि ये इतनी कम माइलेज के बावजूद इन गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है वो निकलती रहती है, और इनकी वेयर एंड टेयर वो कितनी ज्यादा होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि गाड़ियाँ मतलब यूज़ होने के लिए ज़्यादा होनी चाहिए। सही है। क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से यूज़ कम होती है। ठीक है। इस वजह से इनके हाइड्रोलिक्स और ब्रेक और इन सब में कुछ ना कुछ काम आता रहता है। जहाँ जहाँ मेरा ख्याल है रबर पार्ट आता है, वो तो करोड़ हो जाएगा टाइम के साथ। जी, वो हो जाता है। और इनके ऑयल जो है ना, बहुत डिफरेंट मिनरल ऑयल्स कहलाते हैं। सही है। जिनमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन और ब्रेक ये सब इंटरकनेक्टेड रोल्स रॉयस में होती हैं। ठीक है जी। तो उस वजह से कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा है ये। सही है। इस वजह से इनमें मतलब खड़े होने की वजह से ना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। बट इनके पार्ट मैंने सुना है कि अभी भी जीरो मीटर आपको मिल जाते हैं बहुत इजीली, कंपनी से मिल जाते हैं। दुबई में सारा सामान मिल जाता है, दुबई में नहीं है, बहुत पुराना है तो फिर इंग्लैंड में। ठीक है। बहुत इजीली अवेलेबल। मेरे जमाने की है, बाकी जरा थोड़ी पुरानी है। हाँ जी। ये जो है ये कौन सा मॉडल है? 58 की 190 SL है। ठीक है जी। और SL की मतलब स्टार्टिंग से हुई थी। ठीक है। इसके बाद पैगोडा आई थी थोड़ी लाइट। जी जी, इसके बाद पैगोडा आई थी, और इसी के साथ ही गल्विंग आई थी, जो काफी एक्सपेंसिव, जिसके दरवाजे ऊपर खोलते हैं। जी, डोर्स ऊपर खोलते हैं वो है। फिर ये 55 की 54 की एडनायर है, 300। उसके बाद वो 86 की है। ये हमारे बचपन में मॉर्गन गोल्ड के इश्तिहार में आती थी। जी, वो तभी मैं लेके आया था। सही है। 1986 और लाल रंग की आती थी, मुझे याद है। जी जी, वो ये वाली गाड़ी तो नहीं थी, लेकिन तभी भी लाया था। उसके साथ जो है वो 200 है, वो 1971 से तकरीबन 680 किलोमीटर चली हुई है। दैट ब्लू वन। ब्लू वन अभी तक 680 किलोमीटर। जी, अभी तक वही चली। 0 मीटर समथिंग, 500 लेस देन 400 माइल्स। सही। तकरीबन। और उसके साथ जो खड़ी है वो 600। जी, मैंने CL 600 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कस्टमाइज और लिमिटेड होती है। जी हाँ, V12 होती है। 600 है ना, 6000 cc है। सही है। तो लास्ट मॉडल है, मतलब इंजन सबसे बड़ा यही है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने 63 कर दिया था, लेकिन वो इंजन छोटा हो गया था। वो इंजन 500 को 63 हॉर्स पावर हो ज्यादा निकाल लेते हैं। सही है। ये है मतलब सबसे बड़ा इंजन यही है V12 में। ठीक है। और ये कितनी चली हुई है? ये इस वक्त 14,000 किलोमीटर। 14,000। और ठीक, अगर हम सामने आ जाए, सामने मेरा ख्याल है ये अमेरिकन गाड़ी है। जी, अमेरिकन कैडिलैक है वो। सही है। वो भी 53 की डीवेल है, फोर डोर नॉर्मल कहलाती है। बेलेयर से मिलती जुलती है। जी हाँ हाँ, मतलब उसी एज की है ना, तो सिमिलर लोकल आइक है। जी ठीक है। और साथ वाली साथ ब्यूक रोड मास्टर है। जी ये 54 की, ये भी कन्वर्टेबल, ये भी काफ़ी मशहूर गाड़ी होती है। और उसके बाद है तो खैर नई गाड़ी, लेकिन वो पाकिस्तान की फर्स्ट बीटल, मैं कहूँगा मैं लेके आया था। सही है। फर्स्ट मिनी भी मैं ही लेके आया था, शेप चेंज पे, और फर्स्ट बीटल भी मैं ही लाया। ये 2001 है। जी,
सबसे पहली जब बीटल इंग्लैंड में आई थी तो सबसे 2 लीटर इंजन वाली जी 1.6 ठीक है। उसके साथ जो है वो करोना है, करोना जी वो भी मतलब बहुत ही कम 68 की करोना है। और उसके साथ जो सबसे आपकी गाड़ियों की कलेक्शन में ओल्डेस्ट कार है जी 1931 8 सिलेंडर। और ये कब से आई हुई पाकिस्तान? ये 31 से नवाब होती की गाड़ी थी। नवाब होती। और आपके पास कब से? मेरे ख्याल से मेरे पास 24-25 साल हो गए। ठीक है, अच्छा है, उसे आगे आ जाए तो फिर ये कैडिलैक जी अंपाला है 65 की, बहुत मशहूर जो कहलाती थी। हां जी 65 अंपाला मेरे ख्याल से बड़ी मशहूर थी, बहुत मशहूर, पाकिस्तान में बनती भी थी ये। सही है। और ये वही प्लांट है मेरे ख्याल से जहां पे सुजुकी बनती है जी। नहीं सुजुकी नहीं बनती, ये इसुजु बनती है जी। इसुजु बनती है। तो ये मेड इन पाकिस्तान थी जी? ये इम्पोर्टेड है जी। अच्छा, लेकिन सिमिलर गाड़ियां बनी है पाकिस्तान में। ठीक है। और इसी तरह ये डॉज भी डॉज पुलारा ये भी यहाँ बनी थी, लेकिन छोटे से इंजन में बनी थी। ये 7 लीटर का इंजन है इसमें, तो 66 की ये भी पाकिस्तान में बनी थी, लेकिन अगेन उसी प्लांट में बनी थी ये। तो ये सैंपल गाड़ी आई थी इसलिए बड़े इंजन में आई थी ये। इट्स अ 7 लीटर का जी। और ये मॉडल है 1966 मॉडल है। उसके बाद आएंगी तो मैंने भी वहीं से ही लाहौर से ही ली थी मैंने। और इसके अंदर जो इंजन है वो कौन सा है? ओरिजिनल जी इनलाइन 6 सिलेंडर। इनलाइन 6 सिलेंडर जी जी। और उसे आगे अगर हम जाते हैं फियट है, फियट 600 काफी कॉमन यहाँ पर, बहुत ज्यादा लोगों के पास है यहाँ पर अभी। मेरे ख्याल पिंडी में काफी ज्यादा जी, ये भी मैंने वहीं से ही ली थी जी, पिंडी की गाड़ी है। तो ये सारी जो कलेक्शन आपकी वो है जो अभी कंप्लीट जी कंप्लीट है। इसके अलावा जो अभी बन रही हैं आपकी जो फेवरेट है पूरी फ्लीट में से, अगर आपसे अब एक फेवरेट पूछे तो कौन सी है? एक तो नहीं हो सकती है, सारी फेवरेट है, लेकिन बहरहाल ज्यादा जो आप चलाते हैं मेरे ख्याल आप जो NSX है वो आप ज्यादा चलाते हैं। नई गाड़ियों में NSX ज्यादा चलाता हूं मैं। अच्छा, NSX जो है उसके लिए हमारे व्यूअर के लिए बता दीजिए, हम साथ साथ स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। इसकी यूनिकनेस क्या है? बिकॉज अभी फरहान साहब मेरे से आते हैं पूछ रहे हैं कि इसमें क्या खास बात है, तो मैंने कहा कि ये फरारी का कंपैटिबल जी, ये उस जमाने में बनी थी जब होंडा ने मतलब फरारी लोकल आइक और उसको बीट करने के लिए बनाई थी। ठीक है। तो वो 91 से आई थी मेरी गाड़ी, 1994 है, 3 लीटर। और इसके लिए जो उन्होंने एथन सेना ने इसके लिए हैंडलिंग के लिए इसको बहुत उन्होंने सर्किट पे न्यूमबर्ग पे और हर जगह पे उसको ट्यून किया था सस्पेंशन को। और ये स्पेशली जो मेरी गाड़ी है ये सिर्फ 126 बिल्ट है, ये नंबर 94 जी, ये नंबर 94 है। ठीक है। एस शीडा वर्जन है, इसके नीचे पूरा एल्यूमिनियम बेस है पूरा। ठीक है। तो उस वजह से लाइटेस्ट मतलब वेट है ये सेल्फ थ्री। और ये इसके मेरा ख्याल है बाय इट इज सेफेस्ट टू से के पाकिस्तान में ओनली वन है। नहीं पाकिस्तान में, हाँ बल्कि ऐसे शीडा तो मेरे ख्याल है ही 94 यहाँ पर है तो है ये 126 पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो उनमें से एक भी है पाकिस्तान में और NSX नहीं है कोई। अच्छा, आप एक प्रोजेक्ट दिखा रहे थे, अगर आप हमारे यूज के दिखाना चाहेंगे वो क्या प्रोजेक्ट है वो दिखाएंगे अभी आपने अगर दिखाना है, अगर आप फील कंफर्टेबल आ जाए दिखाते हैं। अच्छा भाई, तो मैं देखता कि आप नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, बड़ी अच्छी बात है। ये क्या एक्सपेरिमेंट है जो आप करने लगे हमारे व्यूअर्स को बताएं? ये जी गलवेन जो वर्ल्ड की मेरे ख्याल से मोस्ट एक्सपेंसिव कार होती है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। इनिशियली तो फाइबर ग्लास पे करेंगे, लेकिन फाइनली एल्यूमिनियम बॉडी में इसको, इसी पे ही हम एल्यूमिनियम बॉडी में करेंगे। और कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें इंजन और जो सस्पेंशन वगैरह है वो आपको मैंने बताई थी 54 के एडनायर, ठीक है, उसी के 300 का था। तो कोशिश करेंगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ओरिजिनल पार्ट्स और इंजन के साथ क्रिएट करें। और मेटल इतनी एनर्जी और ये कैसे लेके आते हैं कि आपने सोचा कि मैं इसको कंसेप्चुलाइज करके बना लूं? मेरे जैसा बंदा तो रास्ते में रुक जाता है। नहीं, दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं ये। अच्छा, यहाँ पर जरा इंस्पिरेशन क्या थी, मतलब इसको पूरा कैड पे डिजाइन करके? जी जी, इसका 3D स्लाइसर सॉलिड वर्क में स्लाइसर से आपने इसको निकालना है। ठीक है। और उसके बाद वुड का पूरा ये बग स्केल 100% मिलीमीटर टू सेंटीमीटर पूरा 100% सेम है जी। और इसके अंदर कितना टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट से लेके फाइनल? मेरे ख्याल से अभी तक तो इसको 6 महीने हो गए। ठीक है। और रोड मैप कितने अरसे का? मेरे ख्याल से 1 ईयर, 1 ईयर प्रोग्राम है। अगले साल तक इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट देखें, इसमें हम एपिसोड कर सकते हैं। जी जी, हां इंशाल्लाह। और इसके अंदर इंजन और सस्पेंशन कौन सा लगेगा? अभी तो मैंने बताया ना, इसमें दो हम वेरिएंट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो क्विकली जो कि फाइबर ग्लास का होगा, जो कि जल्दी बनाना आसान है। ठीक है। उसमें तो हम नॉर्मल मर्सिडीज को लेंगे बेस, और जो इसका ओरिजिनल जो ट्यूबुलर शेसी और जो ओरिजिनल 300 का जो 54 का या 50s का जो इंजन है और सस्पेंशन है वो ओरिजिनल जो है ना, वो दो वेरिएंट हम बनाएंगे, वो मेटल बॉडी में होगा। सही भाई। भाई एक हम बाहर चलते हैं, ये बाहर एक जीप खड़ी है, एक बड़ी ह्यूज स्टाइल की, ऐसे लगता है कि कोई सिक्योरिटी कार या बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती है। ये क्या चीज़ है?
ये जी दरवेस के नाम की गाड़ी है, ठीक है। ये रशिया में बनी थी और जी क्लास जो मर्सिडीज है, ठीक है, लुकोलाइक उन्होंने इसकी कॉपी बनाई थी कि बहुत लो कॉस्ट लुकोलाइक जी क्लास हम गाड़ी बनाए, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मैंने वहाँ से लिया इसको पाकिस्तान में ताकि इंट्रोड्यूस करें, यहीं पर 100% लोकलाइज इसको बनाए। फिर मैंने कैनेडियन कंपनी है मोटिव, ठीक है, उससे इसकी रीडिजाइनिंग मैंने करवाई है, सही, क्योंकि काफ़ी स्क्वायर स्क्वायरिश है थोड़ी सी, इसको मैंने मॉडर्नाइज करा के, तो इसको कोशिश कर रहे हैं कि लोकल प्रोडक्शन में लेके आए और 100% लोकल जीप जो कहलाए कार लोकल मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान कि आपने पाकिस्तान की पहली ऑटोनोमस कार बनानी जी बनानी है और कोशिश कर रहे हैं। आप काफी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता पहले आप चेरी क्यूक्यू भी लेके आए थे। जी चेरी भी लाया था उससे पहले, चंगन चाइना की फर्स्ट राइट हैंड गाड़ी 2002 में मैंने एक्सपोर्ट की थी और यहाँ से पाकिस्तान लेके आए थे और हमने काफ़ी 8,000-9,000 के करीब जहाँ बेची भी हमने पिकअप्स, ठीक है। और उस वक्त चाइना में राइट हैंड ड्राइव गाड़ी नहीं बनती थी तो यहाँ के पार्ट्स हम लेके गए थे, वहाँ पर उनको सिखाया कि कैसे राइट हैंड बनानी है, ठीक है। और फिर वो ब्रांड चंगन के नाम से, जी चंगन के नाम से पाकिस्तान लेके आए थे, तो अब यहाँ पर दोबारा वो रीलॉन्च हुआ है, सही है, क्योंकि बीच में कुछ वजह से हमने वो, उसके बाद दूसरी कोशिश आपने चेरी क्यूक्यू के साथ की। जी जी चेरी क्यूक्यू तो खैर आ रही थी यहाँ पर, पहले भी आ रही थी, हमसे पहले भी आ रही थी, ठीक है। तो फिर मैंने वो प्लांट सेल आउट कर दिया, अब दोबारा लोकलाइज गाड़ी है मेरा कि पाकिस्तान में कार एज अ फोर डोर सेडान कार एंड एन एसयूवी। अच्छा, ये इसके अलावा हमें यहाँ पे पीछे दो प्रोजेक्ट्स और नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल दिस इज द वन यू वर टॉकिंग, जी जी मैं पहली गाड़ी थी जी एमजी है जी, पहले 86 में रिस्टोर की थी उसको दोबारा, ये 1935 मॉडल नहीं नहीं ये 61 है जी, 61 है जी जी 61 और ये आपने 86 में रिस्टोर की थी, इसको दोबारा कर रहे हैं रिस्टोर। हाँ जी जी एमजीबी MGA जी जी MGB फिर इसके बाद न्यूअर वर्जन जी, ठीक है। और ये जो पीछे खड़ी है ये एक मुझे बिल्कुल देखने में वो लग रही थी लोटस एलिस लग रही थी जी, ये उन्हीं के लोटस के इंजीनियर्स हैं, ये गाड़ी निसान ने बनाई थी, सोनी प्ले स्टेशन का गेम होता था जी ग्रैंड ट्रिज्मो, ठीक है जी, जो उसके लिए निसान ने 240 देख रहे होंगे आप, 240 लिखा हुआ है, सही, ये 2240 हॉर्स पावर है, ठीक है जी। तो ये उसके लिए गेम के लिए जो है ना ग्रैंड ट्रिज्मो उस गेम के लिए ये कुछ 200 गाड़ियाँ बनी थी, सही है। तो वो भी मैं पाकिस्तान लाया हूँ कि यहाँ से हम इसको बना के री एक्सपोर्ट करें, और क्योंकि यहाँ पर तो इसका इतना बड़ा स्कोप, अभी ये बनने के प्रोसेस में है कि ये रिस्टोर हो रही है, नहीं ये रिस्टोर हो रही है, तो ओरिजिनल थी जब ली थी, लेकिन इसको हमें है कि हम जब ये पाकिस्तान में ये जीप और कार लेके आए तो उसके साथ ये भी, सो ये मॉडर्न लुकिंग स्पोर्ट्स कार टाइप हो जाएगी, जी जी स्पोर्ट्स कार और हैंडलिंग और फास्ट कार है, रियर इंजन है मिड इंजन जी, मिड इंजन कहलाएगा, मिड इंजन कहलाएगा 240 हॉर्स पावर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी आपकी जो भी कलेक्शन जो बाहर खड़ी है, हाँ जी, इनके ऊपर इनका बारी बारी टाइम आता है रिस्टोरेशन, हाँ रिस्टोरेशन बस है ऑन द लाइफ पाइपलाइन है, सही है। इसमें टाइम ज्यादा अब क्योंकि अभी फोकस कर रहा हूँ काफी ज्यादा, सही है, तो अब ये जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो सारी होगी आपकी कलेक्शन और ये कभी कभी चलाने वाली गाड़ी, आप एवरी डे जो गाड़ी मैं लोगों को दिखाना चाहूंगा आप क्या चलाते हैं? मैं डॉज रैम चलाता हूं, जो आप डेली ड्रिवन है, जी जो डेली ड्रिवन है, इसके अंदर कौन सा इंजन? 5.7 जी जी जी, डॉज रैम है 5.7 जी, हेमी, हाँ जी, ये जरा नॉर्मली लोग जो टुंड्रा और वो चला रहे होते हैं दूसरी रैप्टर और वो, मैं जरा डिफरेंट उससे रखता हूँ, एक तो थोड़ी सी साइज वाइज ये छोटी है, ठीक है, उन सबसे टुंड्रा है तो बहुत बड़ा बहुत बड़ी है, क्योंकि रोड में ना यहाँ पे कराची में ट्रैफिक और उसकी वजह से भी, ठीक तो है, एक नॉर्मल से खैर बड़ी है लेकिन फिर भी इट्स, और इसका मॉडल क्या है? ये जी 2013 का है। तो ये आप कितने सालों से ये वाली गाड़ी चला रहे हैं? 5 साल तो हो गए अभी मेरे पास। अच्छा, एक और भी एक यूनिक गाड़ी है जो कि यहाँ पे खास तौर पे कराची में तो शायद लोगों को नजर आती है, लाहौर में इतनी नजर आती है, ये निसान मुरानो जी, मुरानो जी भी मेरे पास शुरू से मैंने खुद जापान से इंपोर्ट की थी, ठीक है, और क्योंकि डिफरेंट एक मिड साइज एसयूवी में शहर में चलाने के लिए, हां वो क्विक रन अबाउट के लिए, इसमें एग्जैक्ट वो इंजन होता है जो निशान Z350 में होता है, जी 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 V6 है जी, ये इसमें है इंजन जरा अच्छा है इसका, पावरफुल इंजन है, सही है, कंपेयर टू अदर आप देखेंगे। अच्छा, एक लास्ट वर्ड पूछना चाहूंगा कि मैंने नोटिस किया है और मेरे अपने पास भी है कि जो पाकिस्तानी मेड गाड़ी है 0 मीटर आपने कभी खरीदी? हाँ खरीदी हैं, हैं करोला वगैरह हैं लेते हैं, लेकिन वो वैल्यू टू मनी वाइज आपको क्या लगता है कि जो इंपोर्टेड गाड़ी इज मच बेटर जी। सो व्हेन डू यू थिंक कि हम पाकिस्तानी गाड़ियाँ उस के करीब करीब आएंगी कि कंज्यूमर को ऑप्शन मिलना शुरू हो जाए? मैंने बताया ना वही मैं कोशिश कर रहा हूँ लेके आने की, आपको वो वाली स्टैंडर्ड कारपेट प्लास्टिक, सही, जो चीज़ें वायर हार्नेस ये सब चीज़ें जो बनती हैं वो उस स्टैंडर्ड के बने, ताकि लोग जापानीज से कम गाड़ी लोकलाइज पे आए।
बहुत शुक्रिया वाहिद भाई, गुड लक फॉर द फ्यूचर जी। इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो आप गाड़ियों को पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन लाने का प्लान करते हैं बेहतरीन तरीके से आए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए कवर भी करें, जो प्रोजेक्ट अभी वाहिद भाई के कंप्लीट हो रहे हैं वो भी आपके लिए लेके आएँ, और इंशाल्लाह ताला आपके लिए वीडियोज़ का सिलसिला जारी रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राह से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये थी आज की वीडियो, आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदन वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।